हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मेरे पास है रियल मी का फ़ोन। देखिए रियल मी C11 ये मॉडल नंबर है इसका। दोस्तों इस फ़ोन का प्रॉब्लम है कि ये फ़ोन जो है सो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा स्लो चल रहा है कि मत बोलिए बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। इस मोबाइल को अभी हम करने वाले हैं हार्ड रिसेट, तो कैसे करेंगे दोस्तों और इसका स्पीड चलने का क्या तरीका है मैं आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहें, एक भी चीज़ को थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप ना करेंगे। अगर स्किप करते हैं दोस्तों बहुत सारा चीज़ आप नहीं जान पाएंगे जिसके कारण से आपका फ़ोन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। मैं दोस्तों आप सबको बताने वाला हूं कि इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए मैं आप सबको दिखाता हूं कि कैसे करना है। दोस्तों मोबाइल के सेटिंग में आपको आ जाना है। देखिए यहां पे मोबाइल का सेटिंग है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहां पे करना क्या है मैं आप सबको बता देना चाहता हूं। यहां पे हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। दोस्तों नीचे आने के बाद यहाँ पर हम देख लेंगे एडिशनल सेटिंग में आके, एडिशनल सेटिंग में हम आ गए, नीचे करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बैकअप एंड रिसेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे आपको आना है एडिशनल सेटिंग, इसके बाद यहाँ सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आना है बैकअप एंड रिसेट। बैकअप एंड रिसेट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे बैकअप एंड रिसेट में आपको बहुत सारा मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे करना है सबसे नीचे वाला में इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रिसेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेगा। तीन ऑप्शन मिलने के बाद दोस्तों सबसे नीचे वाला इरेज ऑल डाटा लिखा हुआ है, देख सकते हो जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका पासवर्ड मांगेगा, जो आप स्क्रीन में लगा के रखे हैं पासवर्ड, वो पासवर्ड को यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि क्या होगा। दोस्तों जैसे ही पासवर्ड आप डालेंगे इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए इरेज ऑल डाटा, इरेज डाटा में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बार और करेंगे, दो बार करेंगे दोस्तों। इसके बाद देखिए स्टेप इस तरह से खुल गया है, जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ पे आपको भाषा को चूज कर लेना है, तो हमारा इंग्लिश किया हुआ है। इसके बाद कंट्री है, कंट्री हमारा चूज किया हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, अगला ऑप्शन जाएगा। इसके बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर आगे फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए बोल रहा है कनेक्टिंग टू वाईफाई, तो हम कनेक्ट कर लिए हैं। आप भी कनेक्ट कर लीजिएगा किसी दूसरे डिवाइस के साथ इस डिवाइस को, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे आगे। इस तरह से चेकिंग फॉर अपडेट बोलेगा, यहाँ पे दो ऑप्शन देगा, यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम किसी भी ऑप्शन में दूसरा या तीसरा में या पहला किसी में भी करेंगे, यहाँ पे इस तरह से दिखाएगा। इसके बाद आगे मैं दिखाता हूँ इस तरह से, आगे इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी मांग रहा है या फिर करेंट ईमेल आईडी बना सकते हैं, तो यहाँ पे स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद फिर यहाँ से स्किप करेंगे दोस्तों, आगे ऑप्शन यहाँ पे खुल रहा है जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ पे मोर में क्लिक करेंगे, फिर से करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद इस तरह से आपको इंटरफेस यहाँ पे देखिए लेटर कर देंगे हम फिलहाल, यहाँ पे लेटर। इसके बाद फिर यहाँ लेटर, आगे नेक्स्ट, फिर लेटर। यहाँ देखिए हमारा डिवाइस फाइनली खुल चुका है दोस्तों, वेलकम रियल मी लिख दिया है। गेट स्टार्टेड में कर देंगे, ये देखिए हमारा फ़ोन रेडी हो चुका है, खुल गया है पूरा तरह से।
अब देखिए फटाफट बिल्कुल फास्ट मोड में चलेगा। इस तरह से आप भी अपने मोबाइल को कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, कमेंट में वंदे मातरम लिख दीजिएगा दोस्तों इंडिया से हैं तो। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।